हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दोस्तों। फाइनली हम सभी आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में और आज की हमारी वीडियो यहीं से है। देखिए, बहुत से बच्चों को डाउट है कि क्योंकि एग्ज़ाम कल होना है, बच्चे आज घर से निकलेंगे तो क्या कुछ लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएं, और जो NTA ने अपने एडमिट कार्ड में आपको दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको कैसे फिल करवाएँ, क्या फिल करवाएँ, यानी बहुत से डाउट हैं। तो आप एक एक डाउट को सुनते चलिए और एक एक डाउट को क्लियर करते चलिए। तो आपका पहला डाउट ये आता है कि सेंटर पर हमको क्या लेकर जाना है। तो भैया, बहुत सिंपल सी चीज़ है, NTA ने बोला है कि आप अपने एडमिट कार्ड के साथ में एक आपकी जो है वोटर ID प्रूफ हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, आपको ऐसी ID लेके जानी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पेन लेकर नहीं जाना है। पेन आपको NTA सेल्फ से सेंटर पे प्रोवाइड कराएगा, आप उसकी हेल्प से पेपर को सॉल्व करेंगे। तीसरी बात, आप अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल और एक सैनिटाइज़र कैरी करके जाएंगे। NTA ने क्लियरली अपने एडमिट कार्ड के ऑप्शन में लिख दिया है कि आपको क्या कुछ लेकर जाना है। ऐसी सभी चीज़ें मेटैलिक हैं, जिनसे नकल होता है, चाहे आपका ब्लूटूथ हो, मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्ट वॉच हो, रिस्ट वॉच हो, इन सब चीज़ों को सेंटर पर लेकर नहीं जाना है। एडमिट कार्ड के आपके पास 3 पेजेस हैं। फर्स्ट और जो सेकेंड पेज है वो कंपलसरी है, क्योंकि उसमें आपकी डिटेल सबमिट है। थर्ड पेज कंपलसरी नहीं है, उसको आप चाहें तो ना ले जाएँ, बट इतना कोई भारी नहीं होता है, आप उसको इजी वे में कैरी कर सकते हैं। फोर्थ चीज़, आपका जो एडमिट कार्ड है अगर वो कलर में है तो डेट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। फिफ्थ चीज़, आपके पास पासपोर्ट जो साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं या पोस्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं, इनका यूज़ सिर्फ आपको एडमिट कार्ड के उसी में यूज़ करना था, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। सिक्स चीज़ आपकी आता है कि आपका सिग्नेचर जो होगा, तो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपका होगा, वो भी सेंटर पर होगा। पेरेंट्स आपके सिग्नेचर घर से जब भी आप निकलने वाले होंगे, निकलेंगे तब आपको जो है कराकर जाना है। पेरेंट्स का थंब इम्प्रेशन नहीं होगा, उनका सिर्फ सिग्नेचर होगा। आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर, मम्मी पापा, भैया भाभी, कोई भी जो A to Z हैं, वो सिग्नेचर वहां पर कर सकते हैं। रही बात ड्रेस कोड की, तो बहुत सिंपल सी ड्रेस कोड आप पहन सकते हैं, चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, आप सभी फुल लोअर पहन सकते हैं, ठीक है, हाफ कैप फ्री पहन सकते हैं, ब्लैक जो है टी शर्ट पहन सकते हैं, वाइट टी शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट का कलर कोई भी हो। आप जो है फुल स्लीव मत पहनिएगा, हाफ स्लीव आप पहनेंगे तो आसानी होगी। कलर का कोई भी कॉम्बिनेशन NTA ने नहीं लिखा है। आप इवन ब्लैक जीन्स पहन सकते हैं, आपकी जीन्स में अगर मान लीजिए कि जैसे क्या होता है कि आपको जो है कहीं थोड़ा मेटल लगा होता है तो वो चल जाता है, एक्स्ट्रा कोई मेटेलिक उसमें ना हो, मल्टीपल पॉकेट्स ना हो, तो आपको सेंटर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पेपर देते समय सेंटर पे बहुत केयरफुली रहना है और अपने आसपास देखना है। कई बार बहुत से बच्चे खुद चीटिंग करते हैं और आपको फंसा देते हैं, तो उनसे बच के रहिएगा और सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचिएगा। आज कोशिश करिए कि भी आप शाम होने वाली है, आप अभी निकल जाएँ, सो डैट्स वेरी गुड। इसके अलावा मैंने अपकमिंग वीडियोज़ में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है। जब आप ट्रेन में होंगे, गाड़ी में होंगे, कहीं भी होंगे, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रोसेस है, आपको सेंटर पे कैसे OMR फिल करना है, एंट्री कब है, वो सब आपको अभी कुछ एक घंटों की वीडियो में मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए अब मैं निकल रहा हूँ चढ़ाई के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।